हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बहुत ही ट्रेंडी प्रोडक्ट की। दोस्तों, आज का हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वॉल ग्रिड। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल दोस्तों विजन बोर्ड, मैनिफेस्टेशन, ये सब का बहुत ही ट्रेंड है। और अगर आप भी चाहते हो एक ऐसा विजन बोर्ड बनाना जो बहुत ही इजीली क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब फाइनली दोस्तों अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारे पास प्रोडक्ट। तो अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस पैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे ये है दोस्तों हमारी ग्रिड। तो इसको पहले बाहर निकाल लेंगे और ये पैकेट जो है अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में पूरा हमें प्रोडक्ट मिलता है और यही है दोस्तों हमारी ग्रिड। तो इसकी भी अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी पूरी ग्रिड है, कुछ इस तरीके का दोस्तों इसका साइज है। तो अभी फिलहाल मैंने सिर्फ इस ग्रिड की अनबॉक्सिंग की है और इसी दोस्तों पूरे मेटल ग्रिड में आपको बहुत ही इजीली अपना विजन बोर्ड क्रिएट करना है। और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसके साथ जो हमारा अनदर पैकेट है, पहले उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ये ऐसा बॉक्स मिलता है और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके के दोस्तों हमें इस ग्रिड के साथ अटैचमेंट मिलते हैं और ये दोनों ही अटैचमेंट बहुत ही यूज़फुल हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या। सबसे पहले आप देखोगे ये जो एक हमारा अटैचमेंट है, ये कुछ इस तरीके का दोस्तों रैक टाइप का है। इसमें आप बहुत ईजिली कुछ भी रख सकते हो, जैसे आप अपना स्मार्टफोन भी रख सकते हो। और ये यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमारी ये वॉल ग्रिड है, इस पर सिंपली आपको कुछ इस तरीके से इसे अटैच कर देना है और आप देखोगे ये कहीं पे भी पूरे ग्रिड में आप इस अटैचमेंट को लगा सकते हो। और ये कुछ इस तरीके का आपको एक बहुत ही इजीली सी रैक मिल गई है। और इसके बाद बात करें अगर दूसरे अटैचमेंट की, तो यहाँ पर आपको एक और भी अटैचमेंट मिलता है। वो दोस्तों एक रैक थी, बट यहाँ पे ये और भी यूज़फुल चीज़ है। ये आपको पूरा एक बास्केट ही मिलता है और ये बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे आपको करना क्या है, इजीली इसको कहीं पे भी इस तरीके से अटैच कर देना है और आप देखोगे ये पूरी प्रॉपर बास्केट बन गई है। कुछ इस तरीके से आप इसमें कोई भी चीज़ को हैंग कर पाओगे। तो ये दोनों ही अटैचमेंट मुझे बहुत ही यूज़फुल लगे। ये ग्रिड तो बहुत ही यूज़फुल है ही, साथ में आपको इस प्रोडक्ट में दो अटैचमेंट भी मिलते हैं जिसको आप कहीं पर भी हैंग कर पाओगे। और इसी के साथ साथ ये ग्रिड और अटैचमेंट के बाद हमें एक और पैकेट मिलता है। आप देखोगे कुछ इस तरीके का ये पैकेट है और इस पैकेट में आपको दोस्तों बहुत ही यूज़फुल आइटम मिलता है। इसमें दोस्तों वुडन क्लिप्स है जो बहुत ही यूज़फुल है और इसके हेल्प से आप बहुत ही इजीली जो भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी आपके मैनिफेस्टेशन या विजन बोर्ड में डेकोरेटिव चीज़ लगानी है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्लिप्स हैं कैसी। कुछ इस तरीके से आप देखोगे ये हमको इतनी क्लिप्स मिलती है। ये आप देख सकते हो दोस्तों ये क्लिप्स इतनी सारी मिलती है हमें। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको दो ऐसे हैंगिंग क्लिप भी मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके हेल्प से आप इसे वॉल में हैंग कर पाओगे। तो ये जितनी भी क्लिप्स है आप देखोगे कुछ इस तरीके की आपको मल्टी कलर में क्लिप्स मिलती है जो बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पर पिंक, ब्लू, मल्टीपल कलर्स हैं और इसके हेल्प से आप अपने इस विजन बोर्ड को, ये जो पूरा वॉल ग्रिड का है, इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर पाओगे। तो मुझे तो ये सारी क्लिप्स बहुत ही अच्छी लगी और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, इस वॉल हैंगिंग का अच्छा ट्यूटोरियल देने के लिए मैंने पहले ही कुछ चीज़ें प्रिंट आउट की थी, जैसे मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ कि इसका साइज़ क्या है और कैसा ये दोस्तों यूज़ करने के बाद लगता है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये कुछ डेकोरेटिव आइटम और कुछ प्रिंट आउट निकाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ प्रिंट आउट की है। कुछ इस तरीके से आप देखोगे ये मेरे ही थंबनेल हैं जिन्हें मैंने प्रिंट आउट किया है। और ये दोस्तों आईफोन 15 की अनबॉक्सिंग है। अगर अभी तक आपने आईफोन 15 की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये कुछ चार सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी प्रिंट की है। तो अब जल्दी से दोस्तों इस वॉल ग्रिड पर जल्दी से इसे अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ ये जो वुडन क्लिप्स मिलती है,
इस पर आपको करना क्या है, सिंपली ये ऐसे आप अटैच कर सकते हो और ये अटैच करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं आपको इस बॉल हैंगिंग पे सारी चीज़ें लगा देता हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इस क्लिप के हेल्प से आप कुछ इस तरीके से इसे अटैच कर सकते हो। और ये जो दोस्तों हमारी ग्रिड है, इसमें आपको करना क्या है, सिंपली जहाँ भी आप चाहो बहुत ही ईजिली इसे क्लिप कर पाओगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसे अटैच किया, तो अब आपको करना क्या है, बिना किसी ग्लू बिना किसी पेपर के हेल्प से आपको सिंपली ऐसे क्लिप लगा देनी है। दोस्तों इस बॉल ग्रिड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ पे आप बहुत ही इजीली चीज़ों को डेकोर कर सकते हो। वरना अगर आप दोस्तों वैसे विजन बोर्ड बनाते हो तो आपको एक चार्ट पेपर चाहिए, आप जो भी प्रिंट आउट किए हो उसे स्टिक करने के लिए या तो आप दोस्तों किसी ग्लू का यूज़ करोगे या तो आपको टेप यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये बहुत ही ईजी है, हैसल फ्री वर्क है। सिंपली आपको ये जो वुडन क्लिप्स हैं इनका यूज़ करना है और आप कहीं पे भी चीज़ों को अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ अटैच करके दिखाता हूँ। जैसे इस बार मैंने ये ग्रीन क्लिप ली और अब आपको करना क्या है, जैसे ये मेरा ही आईफोन का थंबनेल है, मैंने कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे अटैच तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे अटैच कर दिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली कहीं पे भी आप इस क्लिप के हेल्प से इसे स्टिक कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने इस ग्रिड पे इसको ऐसे लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो बॉल ग्रिड है ये बहुत ही मुझे अच्छा प्रोडक्ट लगा और इसके हेल्प से आप कुछ इस तरीके का डेकोरेशन कर सकते हो। तो एक बार मैं सारी चीज़ें लगा के आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। और दोस्तों ये भी मेरे ही वीडियो का थंबनेल है और ये ईसिम का थंबनेल है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी ट्यूटोरियल बताया है कि कैसे आप अपने आईफोन में ईसिम का सेटअप कर लोगे। तो अब फाइनली मैं आपको आउटपुट शो कर देता हूँ कि ये जो हमारी वॉल ग्रिड है ये किस तरीके की लग रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी कुछ फिलहाल इतना ही इसे डेकोर किया है। तो आप दोस्तों इस वॉल ग्रिड के हेल्प से बहुत ही इजीली अपने विजन बोर्ड को बना सकते हो, कोई भी आपका ड्रीम है आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मुझे दोस्तों प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का लगा। अब बात करेंगे इस प्रोडक्ट के प्राइसिंग की। दोस्तों मैंने इस वॉल ग्रिड को अमेजोन से परचेस किया है, तो मैंने इसे 1199 रुपीज़ में परचेस किया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। अगर मैं दोस्तों यहां पे आपको इस रैक का यूज़ बताऊं, तो ये जो आपको साथ में रैक मिलती है इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल ये जो आईफोन का बॉक्स है अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और आप देखोगे मैंने बहुत ही इजीली इसमें आईफोन का बॉक्स रख दिया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। और साथ में आपको ये जो बास्केट मिलती है इस पर भी आप बहुत इजीली चीज़ों को रख सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।